सो क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं आप हम. क्वेश्चन नंबर थ्री सेज कि आपको रिड्यूस करना है इस इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे रिड्यूस करेंगे देखते हैं. आपके पास सबसे पहले ये ब्रैकेट दे रखी है, हम इसको सॉल्व कर देंगे. सो नीचे जो दिया हुआ है आप एलसीएम लेंगे. सो वन माइनस फोर आयोटा इंटू वन प्लस फोर वन प्लस आयोटा. सो यहाँ पे वन माइनस फोर आयोटा और वन माइनस फोर आयोटा कैंसिल, वन प्लस आयोटा बचा. वन प्लस आयोटा को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस आयोटा माइनस एज इट इज. इस पूरे को जब आप वन प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस फोर आयोटा और उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए टू को कंप्लीट करेंगे. जस्ट अ सेकेंड. अब यहाँ पे इस चीज को टू से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस टू इंटू आई वन इज माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस फोर आयोटा वुड बी प्लस एट आयोटा. नीचे भी आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए वन को वन प्लस आयोटा से करेंगे वन प्लस आयोटा, माइनस फोर आयोटा को वन से करेंगे माइनस फोर आयोटा, माइनस फोर आयोटा को आयोटा से करेंगे माइनस फोर आयोटा स्क्वायर. और ये आपके ब्रैकेट एज इट इज. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोटा प्लस एट आयोटा नाइन आयोटा, वन माइनस टू वुड बी माइनस वन. नीचे आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए माइनस वन होती है. माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस वन प्लस फाइव. वन माइनस फोर आयोटा वुड बी थ्री आयोटा. अब बिकॉज नीचे आयोटा है तो आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए. रैशनलाइज आप जब करेंगे तो यहाँ पे सॉरी अभी रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, आपके पास एक और ब्रैकेट भी है. सो इस ब्रैकेट से ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो नाइन आयोटा माइनस वन को आप थ्री माइनस फोर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे. नाइन आयोटा इंटू थ्री वुड बी 27 आयोटा. नाइन आयोटा इंटू फोर आयोटा 36 आयोटा स्क्वायर. माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री. माइनस वन इंटू माइनस फोर आयोटा प्लस फोर आयोटा. ऐसे ही आप नीचे की ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे. फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव. फाइव इंटू आयोटा फाइव आयोटा. माइनस थ्री आयोटा इंटू फाइव माइनस फिफ्टीन आयोटा. माइनस थ्री आयोटा इंटू प्लस आयोटा माइनस थ्री आयोटा स्क्वायर. ऐसे ही आप ऊपर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन डाल देंगे यहाँ पे. नीचे आपके पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है दैट वुड ऑल्सो बी माइनस वन. अब सॉल्व कर देते हैं. देखिए 27 आयोटा में आप फोर आयोटा प्लस करेंगे 31 आयोटा. यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 36 36 माइनस 3 33. ऐसे नीचे देखिए 25 प्लस 3 28 माइनस 10 आयोटा. अब आपके पास यहाँ पे टर्म बन चुके हैं और नीचे आपके पास आयोटा आ रहा है तो आप क्या करेंगे उस चीज को रैशनलाइज. रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे सेम टर्म से, बस साइन उल्टा है. तो आप देखिए ऊपर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए. ये जनरल कैलकुलेशन इसमें कुछ करने वाला नहीं. आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यू डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा. अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं 614 डिवाइडेड बाई 84 कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा. 1198 आयोटा डिवाइडेड बाई 884 आपके पास ये आ जाएगा. तो बेसिकली आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में से स्प्लिट कर दिया. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर सेज इफ एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. राइट, सो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए आपको प्रूव करने वाला है. सो प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक नई टर्म सीखेंगे दैट इज कॉन्जुगेट. बेसिकली आपका ये कॉन्जुगेट 5.1 एक्सरसाइज के पहले भी है बट क्योंकि 5.1 में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया सो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया. बट अभी इसको देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट होता क्या है. सो कॉन्जुगेट कुछ नहीं है बेसिकली. अगर आप किसी चीज का कॉन्जुगेट लेते हैं तो बेसिकली आप उस चीज का ऑपोजिट साइन ले लेते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये गिवन है. मैंने लिखा टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेना. तो देखिए यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई था तो मैंने x प्लस आयोटा वाई कर दिया. यहाँ पे a माइनस आयोटा बी था तो मैंने a प्लस आयोटा बी कर दिया. c माइनस आयोटा डी था तो मैंने c प्लस आयोटा डी कर दिया. ओके, कॉन्जुगेट तब काम आता है जब देखिए इधर रूट है और आपको टू प्रूफ में क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए. तो ऐसी कंडीशन में आपको कॉन्जुगेट काम आता है. सो व्हाट वी विल डू इज हमने ये जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया एंड हमने टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड किया तो इसका ऑपोजिट ही क्या हो जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारी सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई. अब देखिए x माइनस आयोटा वाई को हम x प्लस आयोटा वाई से
मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ऐसे ही इधर राइट हैंड साइड अगर आप ये देखेंगे तो इसकी राइट हैंड साइड इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इधर भी आप देखेंगे a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वुड बी प्लस, तो आपके पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर भी आप देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, सो माइनस वन इंटू माइनस प्लस, तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास क्योंकि आपको टू प्रूफ में अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है और इधर रूट नहीं है, तो हमने क्या किया ये रूट इधर चला गया, तो क्या बन चुका है ये स्क्वायर। और आप कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही से एक ही बात है। सो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो इधर पूरे का स्क्वायर लग जाएगा जो कि यहाँ लगा है, यहाँ जो ये रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड यही आपको प्रूफ करना। ओके तो जब भी कभी ऐसे स्क्वायरिंग वाले क्वेश्चन आए और आपको रूट दिया हो तो बेसिकली आपने कॉन्जुगेट बोथ साइड लेना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। अब देखिए पोलर फॉर्म आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, सो ये 5 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, वी विल नॉट डू इट। नेक्स्ट सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6 to 9। अब देखिए 6 से 9 तक आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है बेसिकली क्या क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन तक है। आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हर एक क्वेश्चन में, 6 से लेकर 9 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मुझे नहीं लगता आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सिंपल सॉल्व करेंगे। सो ये वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल एक्सरसाइज 5.3 की तरह है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन पे लगाना है। ओके एंड एक्स की वैल्यू निकालनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आपको बोला है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड। इस चीज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, तो हम पहले वैल्यू डाल देते हैं। देखिए z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, हमने यहाँ पे 2 माइनस आयोटा डाल दी। z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, हमने 1 प्लस आयोटा डाल दी, एंड देन प्लस 1 है, जस्ट अ सेकेंड। देन z1 की वैल्यू अगेन 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू अगेन 1 माइनस आयोटा, तो आपके पास प्लस 1 यहाँ पे आ गया, तो नीचे भी हमने z1 z2 की वैल्यू डाल दी। सो आप देख सकते हो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, 2 + 1 + 1 वुड बी 4, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। देखिए माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, और ये 2 तो था ही, सो 2 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो 1 माइनस आयोटा बचता है और ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास 2/1 माइनस आयोटा बचता है। सो हमने 2/1 माइनस आयोटा लिखा, अब फिर से डिनोमिनेटर में आयोटा आ चुका है तो हमें क्या करना है उस चीज का रैशनलाइज लेना है। सो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ओके सो आपके पास 2 इंटू 1 प्लस आयोटा वुड बी 2 प्लस 2 आयोटा, नीचे a माइनस b इंटू a प्लस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके सो 2 प्लस 2 आयोटा आपने एज इट इज लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या होती है, माइनस 1, सो माइनस इंटू माइनस वुड बी प्लस, सो 1 प्लस 1 वुड बी 2। ओके सो आपके पास जो आंसर है बेसिकली यहाँ पे आप देखिए ऊपर से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे सो ये 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा बचेगा। तो बेसिकली z आपके पास क्या बच रहा है, 1 प्लस आयोटा, और ये मॉड है। अब मॉड्यूलस भी मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज में ये टॉपिक था, बिकॉज वो क्वेश्चन में नहीं आया तो मैंने आपको नहीं करवाया था। सो दो ही टॉपिक थे, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। कॉन्जुगेट मैंने आपको समझा दिया है कि उस चीज का उल्टा साइन आपने लेना है जो भी आपको दिया हुआ है, एंड मॉड्यूलस यहाँ पे देख लेते हैं, बिकॉज आपका आंसर देखिए मॉड्यूलस में आ रहा है 1 प्लस आयोटा। सो मॉड्यूलस को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी मॉड में आ रहा है, जैसे ये वाला आपका क्या है a, और आयोटा के साथ आपका क्या होता है b, सो मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a यानी कि जो रियल पार्ट है यानी 1 का स्क्वायर, b यानी जो आयोटा के साथ है दैट इज 1 का स्क्वायर। सो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है z मॉड्यूलस का, तो आपका मॉड्यूलस में यहाँ पे आया है, सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 इज योर आंसर। ओके
तो दो चीजें हम नई सीखी हैं, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. आपको a प्लस आयोटा b दे रखा है और इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है और उसका स्क्वायर चाहिए. अब यहाँ पे भी देखिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, क्योंकि टू प्रूफ का है. सो आपको ये दे रखा है, ऑब्वियसली स्क्वायर निकालना है. फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे भी a प्लस b स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर. तुम कॉन्जुगेट से निकाल के देखेंगे तो निकल जाएगा. तो इस चीज का जो हमें गिवन दे रखा है उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है. हम इसका कॉन्जुगेट बोथ साइड लेंगे, यानी कि उल्टा. सो a प्लस आयोटा b है, कॉन्जुगेट लेने से a माइनस आयोटा b हो जाएगा. यहाँ पे x प्लस आयोटा का स्क्वायर है, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा का स्क्वायर. और नीचे 2x square plus 1 है, उसको 2x square minus 1 नहीं लिखना, ये गलती नहीं करनी, because conjugate में हम negative किसको लेते हैं, जो हमारा imaginary part होता है, iota वाला part होता है, हम उसको negative लेते हैं. तो यहाँ पे भी देखिए iota को ही हमने negative लिया है, यहाँ पे iota था उसी को negative लिया है. तो यहाँ पे नीचे तो कोई iota है ही नहीं, तो जब iota नहीं तो उसका negative भी नहीं लेंगे, ठीक है. तो conjugate में ध्यान रखना है सिर्फ iota का negative लेते हैं. सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट लेने के बाद. लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट को राइट से. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों लेफ्ट को मल्टीप्लाई किया, दोनों राइट को, तो क्या बनेगा. इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर बनना था, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन. सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है. राइट साइड पे आप देखिए x प्लस आयोटा का स्क्वायर x माइनस आयोटा का स्क्वायर. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके होल का स्क्वायर अगर मैं लिख दूं. और नीचे भी देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1, इधर भी 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर तो चल रहा था, नीचे वाला एज इट इज. यहाँ पे आप देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस वुड बी प्लस 1, और बाकी सब एज इट इज. और यही आपको प्रूव करना. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. If z1 आपको दे रखा है, z2 दे रखा है, आपको ये पूछा है रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 upon z1 के ऊपर बार. जब भी बार आती है, बार means conjugate. Okay? So पहले निकाल लेते हैं वैल्यू. सो आपके पास z1 z2 दे रखा है, आपको ये निकालना है. देखिए z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आयोटा, हमने डाल दी 2 माइनस आयोटा. z2 की वैल्यू माइनस टू प्लस आयोटा अपॉन जेड वन का बार, यानी जेड वन का कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट मतलब आयोटा का साइन नेगेटिव. सो यानी टू माइनस आयोटा को आप क्या लिखेंगे, टू प्लस आयोटा. सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, टू इंटू आयोटा प्लस टू आयोटा, माइनस आयोटा इंटू माइनस टू प्लस टू आयोटा, माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन टू प्लस आयोटा. So, आप देख सकते हैं 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1. सो माइनस 1 इंटू माइनस 1 वुड बी प्लस 1. यहाँ पे जस्ट सेकेंड, मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ पे गलती है, एक मिनट रुके. ओके, सो ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1. सो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, माइनस फोर प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन टू प्लस आयोटा एज इट इज है. तो फोर आयोटा माइनस थ्री अपॉन टू प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज. अब रैशनलाइज करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, आपके पास ये आ जाएगा डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो ऑब्वियसली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, और वहां पे आप आयोटा स्क्वायर बनेगा तो उसकी वैल्यू माइनस वन डाल देना, तो आपके पास फाइव आंसर आ जाएगा. यहाँ पे भी देखिए आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन डालेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस. तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आपके पास क्या बन जाएगा, 11 आयोटा. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 5. और आपको पूछा क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था रियल पार्ट ऑफ दिस. आपने इस चीज को तो सॉल्व कर लिया, इस चीज का सिर्फ रियल पार्ट आपको बताना है. तो आप पूरा आंसर नहीं लिखेंगे, ये पूरा आपका आंसर नहीं है, रियल पार्ट क्या है जिसके साथ आयोटा नहीं है, यानी माइनस टू अपॉन फाइव. तो ये आपके पास रियल पार्ट का आंसर है. अब इसी चीज का आपको सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है, सॉरी सेकेंड पार्ट आपके पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन जेड वन इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट. तो हम सेकेंड पार्ट निकाल लेते हैं. यहाँ पे जेड वन,
z1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 2 माइनस आयोटा, z1 का कॉन्जुगेट यानी इसी का आयोटा पॉजिटिव कर दीजिए। तो आप देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 + 1 = 5, तो 1/5 आंसर आ गया। अब पूछा इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए, अब आयोटा तो इसमें है ही नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या हो गया 0। ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। देखिए मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट डिलीट हो चुका है, तो ये 13th क्वेश्चन भी आप नहीं करेंगे। 14th क्वेश्चन मॉडुलस, सॉरी आप कर सकते हो, मॉडुलस आपको बताया मैंने z1, जो z होता है मॉडुलस दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो मॉडुलस कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट आपके पास नहीं है। सो मॉडुलस करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। मॉडुलस देखिए आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, तो ये दे रखा है, सबसे पहले आपके पास डिनोमिनेटर में रूट आयोटा है, तो ऐसे ही हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। ओके रैशनलाइज करना आपको आता है, अब इतनी बड़ी क्लास में आप हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक ये इक्वेशन समझाने की जरूरत है। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए रैशनलाइज करके आपके पास 5 iota - 5/10 आ रहा है, तो आप इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, 5 iota / 10 ये अलग, -5/10 अलग। तो मैंने आयोटा वाला पार्ट अलग लिख लिया, रियल वाला पार्ट अलग लिख लिया। ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मॉडुलस निकालना है। सो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड मॉड की जो लाइंस बन रखी हैं इसको मॉड बोलते हैं, जेड मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है, जो रियल पार्ट है -5/10, बी क्या है जो आयोटा के साथ है इमेजिनरी पार्ट 5/10। तो आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, देखिए 50/100 1/2 का रूट इज 1/√2, यानी जेड मॉडुलस आपके पास कितना आ चुका है 1/√2। इसके आगे का पार्ट कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आपने नहीं करना। मॉडुलस तक आप याद रख सकते हैं, फॉर्मूला इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई। अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, सो एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 iota इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ओके सो कैसे करते हैं इसको देखते हैं, -6 - 24 iota था, इसका कॉन्जुगेट आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए एक्स इंटू 3x इंटू 5 iota 5x iota, माइनस आयोटा वाई इंटू 3 -3 iota y, माइनस आयोटा वाई इंटू +5 iota, सो -5 iota² तो यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सो -1 - -1 would be +, सो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 3x है आपके पास और यहाँ पे 5y है, तो इनको हमने अलग लिख दिया, आयोटा इन दोनों में आ रहा है, तो दोनों का आयोटा कॉमन लेके 5x - 3y हमने अलग लिख लिया, और इज इक्वल टू क्या चल रहा था -6 + 24 iota, वो हमने अलग लिख दिया। ओके तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ये वाला रियल पार्ट है, तो इधर की रियल पार्ट क्या चल रहा है -6, अगर ये हमारा आयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इधर इमेजिनरी पार्ट क्या चल रहा है 24, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो अब देखिए 3x + 5y को हम -6 से इक्वेट कर देंगे, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, 5x - 3y को हम 24 से इक्वेट कर देंगे, हमारी दूसरी इक्वेशन। अब जैसे आप छोटी क्लासेस में इलिमिनेशन करते हैं, तो मैंने वही इलिमिनेशन किया, या x से मल्टीप्लाई करो या y से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3x को अगर मुझे सिमिलर बनाना है इधर 5x से, सो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इधर 5 को 3 से, तो पूरी इक्वेशन को इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर पूरी इक्वेशन को 3 से, तो आप देखिए यहाँ पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इधर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। तो आप देख सकते हैं इलिमिनेशन से साइन उल्टे लेंगे, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 25y + 9y - 34y - 30 - 72 - 102 कैंसिल करके y की वैल्यू 3 आ गई। अब y आप चाहे इस इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट कीजिए, वहां से x आपके पास निकल आएगा, दैट वुड बी 3। ओके क्योंकि हमें x एंड y निकालना था, इसलिए हमने एलिमिनेशन मेथड निकाला। नेक्स्ट 15th, फाइंड द मॉडुलस। आपको इस चीज का मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस मतलब पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस चीज को, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए दोनों का क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ से 1 - iota कैंसिल, 1 + iota × 1 + iota, 1 + iota का स्क्वायर,
इधर 1 प्लस आयोटा कैंसिल, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर. तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. माइनस बाहर है तो इधर a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, बट क्योंकि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, सो देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा. इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 1, सो माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 इज 2, कैंसिल करके आपके पास 2 आयोटा आ गया. अब आपको तो निकालना था z का मॉड्यूलस, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए क्या होता है, जो रियल पार्ट है, रियल तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर. बी क्या है, जो आयोटा के साथ है, दैट इज 2, 2 का स्क्वायर. तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 का रूट वुड बी 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको दे रखा है और आपको बोला है u upon x plus b upon y is equal to this. तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन ध्यान से करना, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. देखिए आपके पास ये गिवन है, अब गिवन है, हम गिवन से ही स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे इस चीज का क्यूब दे रखा है, हम क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं. a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर is equal to u plus b iota है, वो as it is. यहाँ पे देखिए iota का cube would be iota cube, और iota cube क्या होता है, minus iota, इसलिए मैंने यहाँ पे minus iota लिखा, और y का cube तो y cube होगा. यहाँ पे x square iota y multiply करके आ गया. यहाँ पे देखिए iota का square वो क्या हो जाएगा, minus 1, तो ये इसीलिए यहाँ पे minus है, और y का square, y यहाँ पे y square आप लिख लेना. ओके, is equal to आपके पास है u प्लस वी आयोटा. ओके, यहाँ पे देखिए x का क्यूब है आपके पास, और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर y, तो यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठे लिख लेंगे. ओके, यहाँ पे आपके पास माइनस y क्यूब आयोटा है, यहाँ पे आपके पास 3x स्क्वायर y आयोटा है, तो दोनों को हमने इकट्ठे लिख लिया. ओके, यहाँ पे आयोटा आपने कॉमन ले लिया, u प्लस वी आयोटा आपके पास आ गया. So, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक चीज करेक्शन कर लेना यहाँ पे जब आप लिखेंगे. देखिए आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर है तो वो माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस आ गया. यहाँ पे वाई का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मैंने लिखा है, तो एक्स का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आप वाई का स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, इतना आपने ध्यान देना है. तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे वाई का स्क्वायर कर लेना. इसी तरीके से यहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं, वाई का स्क्वायर कर लेना. तो इतनी करेक्शन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई नहीं है, बल्कि एक्स वाई का स्क्वायर है. ओके, सो हमने यहाँ तक देखिए सॉल्व किया, सिर्फ हमने ये ब्रैकेट लगाई, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, इतना सॉल्व किया. अब उसके बाद देखिए, हमने जो आयोटा वाले हैं वो एक जगह लिखिए, बिना आयोटा वाले एक जगह. जैसे कि एक्स क्यूब माइनस 3 xy स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे एक जगह लिख दिया. इस दोनों के साथ आयोटा था, आयोटा कॉमन लिया, तो y क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर y, ये हमने एक जगह लिखा. ओके, इज इक्वल टू यू प्लस वी आयोटा. यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ, एक्स वाई स्क्वायर लिखना, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर. सो देखिए राइट साइड पे जो आयोटा के साथ है और इधर आयोटा के साथ, तो उनको कंपेयर करेंगे. इधर जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, यू. यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, वी. तो ये हमने दो ब्रैकेट ले ली है. अगेन यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है. ओके, अब आपके पास टू प्रूफ देखिए, u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू दिस है. तो u और v की वैल्यू तो हमने निकाल दी है, तो टू प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, u अपॉन x प्लस v अपॉन y था, u की वैल्यू यहाँ पे x क्यूब माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर आना था, तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे करेक्ट लिखा है, प्लस v की वैल्यू क्या है, 3 एक्स स्क्वायर y माइनस y क्यूब, तो वो एज इट इज इन दोनों के नीचे एक्स वाई था. देखिए यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, x, तो अंदर ये बच गया. यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, y, तो अंदर ये बच गया. अब ये x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो आप देख सकते हो ये आपके पास ऊपर जो बचा है हमने लिख दिया. अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो आप देख सकते हो दोनों में से अगर 4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बचता है, और यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है क्वेश्चन की, जो आपको प्रूफ करनी है.
ठीक है, सिर्फ क्या किया हमने यहाँ से a प्लस बी होल का क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, वहां से कंपेयर करके हमने u एंड v निकाला, यही u एंड v हम यहाँ पे डालेंगे, इसमें u में के अंदर और इसमें v के अंदर, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें बीटा का मॉडुलस की वैल्यू 1 दे रखी है, देन वी हैव टू फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट भी है, देखते हैं क्या करते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बोला हुआ है इस चीज की वैल्यू आपको निकालनी है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं, बीटा माइनस अल्फा आप देख सकते हैं अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ओके। सो हमने क्या किया, आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी थी और ये मॉडुलस के अंदर था, तो हमने क्या किया इस चीज का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत है, आपने याद रखना है z इंटू z का कॉन्जुगेट क्या होता है, z मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, ये जो आपको दे रखा था क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए मॉड में दे रखा था, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, z इंटू z कॉन्जुगेट। तो हमारे पास देखिए ये बेसिकली हमारा z है, तो हमने क्या लिखा, z इंटू z का कॉन्जुगेट होना चाहिए था, मतलब इस पूरे का भी ऊपर बार लगा दो कॉन्जुगेट, इस पूरे के भी ऊपर बार लगा दो कॉन्जुगेट, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अल्फा के ऊपर ऑलरेडी कॉन्जुगेट था, सो कॉन्जुगेट के ऊपर मैंने एक और कॉन्जुगेट लगा दिया, तो कॉन्जुगेट अल्फा के ऊपर कैंसिल हो गया, तो पूरे के ऊपर आपके पास कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैंने फॉर्मूला अगेन बता रही हूँ, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, मॉडुलस लगे हुए थे, हमने इसका स्क्वायर किया, क्योंकि जेड कॉन्जुगेट, जेड मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट दिखाना हो तो हम ऊपर बार लगा देते हैं, ओके। यहाँ पे अल्फा के ऊपर कॉन्जुगेट था, सो कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लिया, तो अल्फा के ऊपर हट गया। अब देखिए ये आपके पास एज इट इज, ये मैंने लिख दिया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ, बीटा का कॉन्जुगेट अलग से लिखा, अल्फा का कॉन्जुगेट अलग से लिखा, वन का कॉन्जुगेट देखिए वन ही होता है, अल्फा का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आना था, क्योंकि ये कॉन्जुगेट था ना, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाया, तो इसके ऊपर अब कोई कॉन्जुगेट का साइन नहीं है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है। अब बीटा के ऊपर कॉन्जुगेट लगाना था, तो ये कॉन्जुगेट लगा दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, देखिए बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा, बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, देन माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, माइनस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट। नीचे देखिए वन इंटू वन, वन वन इंटू माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, वही आ जाएगा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू वन, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा क्या होता है, अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। अब ये कैसे बना, जहां से हमने स्टार्ट किया था, जेड का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये फॉर्मूला होता है ना, जेड मॉडुलस का स्क्वायर इज जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो अल्फा, सॉरी अल्फा मॉडुलस इंटू अल्फा, सॉरी सॉरी जस्ट वेट, वन इंटू वन इज वन, वन इंटू दिस इज दिस, माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट इंटू दिस इज दिस, अब माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा कॉन्जुगेट का स्क्वायर, क्योंकि z इंटू z कॉन्जुगेट क्या होता है, z मॉडुलस का स्क्वायर। ऐसे ही अब देखिए बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बीटा मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोबारा समझा रही हूं आपको मैं, अल्फा मॉडुलस इंटू अल्फा, यहाँ पे अल्फा कॉन्जुगेट, सॉरी अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। ऐसे ही बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर कॉन्जुगेट का साइन हटा लीजिए, यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं आएगा, बीटा मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, जेड इंटू जेड मॉडुलस इज जेड मॉडुलस का स्क्वायर, ओके।
सो यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए बीटा अगेन वही फॉर्मूला लग रहा है, बीटा इंटू बीटा मॉड्यूलस, बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा एज इट इज, ये एज इट इज, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है, नीचे आपके पास एज इट इज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर, बीटा की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू 1, तो 1 का अगर आप स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। नीचे आप देखिए यहाँ पे भी बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे इंटू 1 कर दिया, ओके। सो अब हमारे पास आपको पूछा क्या है, ये पूछा है आपके पास इस चीज की, आप देखिए अगर आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ऊपर की जो टर्म है और नीचे की टर्म सेम है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लस कर लेना, यहाँ पे करेक्शन है प्लस, तो आप देख सकते हैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पूरी की पूरी सेम है, तो पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 1, तो आपके पास ये पूरे का स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनेगा तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, तो यानी इस चीज की वैल्यू निकालनी थी वो आपके पास कितनी आ गई 1, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए बिकॉज अल्फा बीटा है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, समराइज कर देती हूँ क्वेश्चन को, ये आपको फाइंड करनी थी इसकी वैल्यू, तो हमने क्या किया, ये मॉड्यूलस दिख रहा था, हमने इसका स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है, तो हमें क्वेश्चन में मॉड्यूलस दिख रहा था, हमने स्क्वायर किया उसका, हमने जेड मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब दोनों के ऊपर बार, तो हमने ये ऐसे लिखा, देखिए बीटा का कॉन्जुगेट करेंगे बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा का करेंगे अल्फा कॉन्जुगेट, वन का कॉन्जुगेट वन ही होता है, अल्फा का ऑलरेडी देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट यानी कि कुछ नहीं आएगा अल्फा के ऊपर, और बीटा का कॉन्जुगेट अलग से, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का बता देती हूँ, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट यह आ जाएगा, बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट यह आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट यह आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट। नीचे वन को वन से किया वन आया, वन को अल्फा बीटा कॉन्जुगेट से किया ये आया, माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट को वन से किया ये आया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा क्या होएगा, अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर, वही फॉर्मूला, जेड मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ऐसे बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर कॉन्जुगेट नहीं आएगा तो ध्यान रख लेना। नाउ यहाँ पे भी बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा मॉड्यूलस का स्क्वायर, इधर भी आप देख सकते हो बाकी सब चीजें एज इट इज, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर, नीचे वाली सारी चीजें एज इट इज। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हो, बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है, सो यहाँ पे आपको बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू 1, और यहाँ पे बाकी सब एज इट इज, यहाँ पे प्लस साइन लगा लेना, नीचे भी बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू 1 दे रखी है, बाकी सब एज इट इज, तो पूरा का पूरा सेम आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, इधर स्क्वायर था स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, मतलब इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, नॉन जीरो सॉल्यूशंस निकालने हैं इसके, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को आपको ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस लगा हुआ है, सो मुझे मॉड्यूलस का फॉर्मूला तो पता है, किसी जेड का मॉड्यूलस निकालना हो तो क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए क्या होता है जो रियल पार्ट यानी 1 का स्क्वायर, बी क्या होता है आयोटा के साथ वाला यानी माइनस 1 का स्क्वायर, पावर एक्स है इधर भी एज इट इज, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा, रिस्ट टू पावर एक्स इधर 2 रिस्ट टू पावर एक्स। अब ये पावर अगर मैं लगाना चाहूँ ये अंडर रूट हटा के, तो अंडर रूट हटा के पावर 1/2 लगती है, 1/2 इंटू एक्स क्या हो जाएगी x/2, इधर भी 2 रिस्ट टू पावर एक्स है, मुझे बेसिकली बेसिस सेम करने थे, अब बेसिस सेम हो गए, इसकी पावर और इसकी पावर आपस में बराबर आ जाएगी, सो 1/2x इज इक्वल टू एक्स, एक्स इधर आ गया 1/2x माइनस एक्स, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x/2, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, ठीक है।
सो सिंपल आपको x की वैल्यू निकालनी थी। 19th क्वेश्चन में देखिए आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपको ये शो करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल टर्म है और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट लेके ही होगी। थोड़ा लंबा देखने में लग रहा है बट आसान बहुत है। देखिए ये आपको दिया हुआ है गिवन, इस चीज का कॉन्जुगेट ले लो। आयोटा के साथ वाले सभी साइन देखिए, यहाँ पे आयोटा डी है तो माइनस आयोटा डी, माइनस आयोटा एफ इधर, माइनस आयोटा एच इधर, माइनस आयोटा बी, मतलब जो भी आयोटा के साथ है उनको नेगेटिव ले लो। इसी को कॉन्जुगेट बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए पहली इस ब्रैकेट को पहले इससे करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, प्लस सॉरी माइनस वन। सो माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाता है, इसीलिए हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। ऐसे ही आप इस ए प्लस बी को ए माइनस बी से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है इसीलिए प्लस हो जाती है। ऐसे ही आप ई प्लस आयोटा एफ इंटू ई माइनस आयोटा एफ करेंगे तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, g plus iota h into g minus iota h करेंगे तो g square plus h square, a plus iota b into a minus iota b करेंगे तो a square plus b square। ये plus क्यों साइन आ रहा है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हो दोनों को तो iota square बनता है। iota square की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, इसीलिए वो प्लस में आ जाता है। ओके, सो दिस इज योर आंसर, यही आपको प्रूव करना था। सो सिर्फ आपने कॉन्जुगेट लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20th, आपको इसकी वैल्यू वन दे रखी है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल निकालना है आपने m का, m की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये दे रखा है, नीचे आयोटा है तो रैशनलाइज कर सकते हैं, तो मैंने वन प्लस आयोटा से रैशनलाइज कर दिया। न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वन प्लस आयोटा स्क्वायर था तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नीचे आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो वन प्लस वन टू, तो नीचे आपके पास टू आ गया, इज इक्वल टू वन चल रहा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन माइनस वन होती है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, क्या बचा, टू आयोटा अपॉन टू रेज टू पावर एम इंटू वन, टू से टू कैंसिल, आयोटा की पावर एम इज इक्वल टू वन। अब आयोटा की पावर एम इज इक्वल टू वन, अब आयोटा की वैल्यू वन कब होती है, कौन सी पावर करते हैं कि आयोटा की वैल्यू वन होती है, आयोटा फोर। सो एम की जगह क्या डालेंगे, आयोटा फोर इज इक्वल टू वन होता है, इसीलिए एम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, फोर। सो एम इज इक्वल टू फोर। ठीक है, सो इसी के साथ आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। सो अगर मैं पूरे चैप्टर का बोलूं, सो एक्सरसाइज 5.1 आपने करनी है, 5.2 आपको नहीं है, यानी कि आपके पास आर्ग्यूमेंट एंड जो आपके पास पोलर फॉर्म है वो आपको नहीं करनी है, आपने मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट जरूर करना है। थर्ड एक्सरसाइज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है तो वो आपने नहीं करनी है। एंड जो फोर्थ एक्सरसाइज यानी लास्ट मिसलेनियस है वो मैंने आपको करवा दी, इसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं करने थे वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।